ओके सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ मुस्कान, आई एम फ्रॉम 7th क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस आर यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। सेंटेंस को हम हर एक जगह में यूज़ करते हैं, लिखने में भी बोलने में भी। सेंटेंस के चार टाइप होते हैं, देर आर फोर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्टेटेड और डिक्लेयर्ड। ऐसा वाक्य जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट भी होती है, डिक्लेयर्ड भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई चिल्ड्रन लाइक बिस्किट्स। अब असर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच द इंफॉर्मेशन इज इन नेगेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रन फास्ट। नाउ सेकेंड पॉजिटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच द इंफॉर्मेशन इज इन पॉजिटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन इज वर्किंग। नाउ सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Which animal is this? Do you want ice cream? What are you doing? And अब interrogative sentence के भी दो type होते हैं। येस नो टाइप क्वेश्चन, द क्वेश्चन इन विच आंसर आर रिसीव्ड इन येस नो। ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो आंसर है वो हमें रिसीव होते हैं येस नो की फॉर्म में। एग्जाम्पल, इज इट अ चॉकलेट, क्या ये चॉकलेट है? नो इट इज नॉट अ चॉकलेट। Now second is WH type questions. WH type questions are start with letter WH. For example, what are you doing, where are you going, जैसे कि जहाँ पर भी what, whose, when, whom, why, where questions आ जाते हैं वहाँ पे हम use करते हैं WH type questions को।
Now third is imperative sentence. The sentence in which order, request, advice are expressed. गो आउट मोहन, तो गो आउट इसमें क्या है, इम्पेरेटिव, हम ऑर्डर दे रहे हैं मोहन को कि तुम जाओ, जैसे कि यू शुड बी ऑनेस्ट, कोई हमें एडवाइस दे रहा है कि तुम ईमानदार हो सकते हो. प्लीज बी क्वाइट, इसमें हमें प्लीज आ गया, तो मतलब कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज चुप हो जाओ. Now fourth is exclamatory sentence. The sentence in which strong or sudden feeling of heart are expressed. ऐसा सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग हार्ट की एक्सप्रेस होती है. फॉर एग्जाम्पल, वाओ आई गॉट अ टिकेट, तो इसमें जो वाओ है वो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. थैंक यू रॉबर्ट, जो इसमें थैंक यू है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग.